सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मालदन और वहाँ है एक तुमेरिया डैम। तो उस डैम को आप देखने जा रहे हैं, हम कैसा है फर्स्ट बार जा रहे हैं हम, और मैं भी फर्स्ट बार जा रहा हूँ। तो वहाँ एक फ्रेंड रहता है, उसने बुलाया है, तो उसके साथ जाएंगे हम मालदन से तुमेरिया डैम। और बहुत अच्छा डैम है, बोल देखते हैं कैसा है, बताते हैं आपको व्लॉग में आगे। सो गाइस, ये हैं पॉपुलर के पेड़ और इनसे बनती है माचिस और माचिस की तिल्लियाँ जिससे हम आग जलाते हैं। और ये गेहूँ के हरे भरे खेत हुए हैं यहाँ, बहुत ही सुंदर खेत हैं, देखते रहिए कंटिन्यू। और हम अभी मालदन पहुँचने वाले हैं पुल पर, और मालदन का बोर्ड भी आने वाला है यहाँ पर, साइन बोर्ड। तो जस्ट अभी हम आपको बताते हैं कौन से रूट से जाएंगे हम। और मैं बता दूं, आज मैं और मेरा फ्रेंड मनोज नेगी है साथ में, और ये आर्मी में है, अभी छुट्टी में आए हैं। सो इनके साथ जाएंगे हम और एक फ्रेंड मालदन से मिलेगा। कौन से सेक्टर में जाना है, सेक्टर हमें पता नहीं है। यहाँ बहुत सेक्टर है, मालदन बहुत बड़ा एरिया है रामनगर के इलाके में, रामनगर के ब्लॉक में आता है। मनीष मुनेर, हम दूसरे रास्ते आए, हम अटल उत्तर राजकीय इंटर कॉलेज देवीपुरा में पहुँच गए। तो गाइज, हम पुल पे पहुंच चुके हैं और हम रास्ता भूल चुके हैं अपने फ्रेंड का, और वो हमें लेने आ रहे हैं, पिकअप करेंगे यहाँ से, फिर हम जाएंगे उनके घर में। और उसके बाद जाएंगे हम आज बहुत ही स्पेशल जगह में, बताएंगे आपको आगे ब्लॉग में, निकल आ रहा है। हम सस्पेंस में बना के रहे हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर आया था 5 साल पहले। अब देखिए आप, कितना डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर। ये मालदन का एरिया है और ये मालदन नंबर 4 के पुल पर खड़े हुए हैं। बहुत डेवलप हो चुका है यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर तेल भरा रहा है, ढक्कन ही नहीं खुल रहा है गाड़ी का। कालागढ़ अब जाएंगे हम, कालागढ़ नहीं खुल रहा है क्या? ऐसी गाड़ी मेरे पास होती ना, मैं उसकी टैंकी खाली होने नहीं देता। सही कह रहे, सही कह रहे, मांगने वाले बहुत आते हैं। चले। सो फ्रेंड, मैं बता दूं, जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, उत्तराखंड वाला। ये कौन सी गलियां हैं? ये दिल्ली की गलियां हैं? लग रहा ना। ओ भाई, दिल्ली की गलियां। गाइस, ऑफ रोडिंग। तो गाइस, देखते रहिए हम कहाँ जा रहे हैं अभी, और सस्पेंस बना रहेगा आपके लिए। गाइस, बहुत खतरनाक रास्ता है, ऑफ रोडिंग है, पूरी ऑफ रोडिंग है। और ये डैम है, आपको दिख रहा होगा, टोटली डैम है। मतलब भाई, तो बिल्कुल सुंदर नज़ारा है, देखिए आप डैम। ये पड़ता है मालदन में, समुद्र की तरह दिख रहा है यहाँ पर समुद्र, बिल्कुल जैसे कि आप मुंबई आ गए होंगे या चेन्नई आ गए होंगे।
अब ये देखिए फिर सीढ़ी बनी है, यहाँ से नीचे जाते हैं। पानी जा रहा है लेकिन सीढ़ी आ रहा है। आते भी है जगह सीढ़ियाँ है लेकिन दिख नहीं रहा। यहाँ से डाइवर्ट होता है पानी जगह जगह के लिए सिंचाई के लिए। ये है इनके डाइवर्ट करने के लिए जो भी सीमेंट लगाए हैं यहाँ पर जगह जगह के लिए, अलग अलग जगह के लिए सिंचाई करने के लिए, कार्सिक जो भी जगह जगह है सिंचाई करने के लिए यहाँ पर। और ये जो डाइवर्ट होता है ना पानी वो यहाँ आता है, यहाँ से सिंचाई के लिए चले जाता है खेतों के लिए। प्यारे सुंदर कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर खेतों के लिए सिंचाई के लिए कृषि के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी है अच्छा, हम अभी आगे जाएंगे यहाँ से और आगे देखेंगे। तो गाइस हम अभी आगे के लिए जा रहे हैं यहाँ से और आगे का व्यू दिख देंगे आपको। तो ये डैम समथिंग 60 किलोमीटर के अंदर पे है, ऑफ रोडिंग है भाई, पूरी ऑफ रोडिंग है ये देखिए। और यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं आपको, ये टूरिस्ट प्लेस बन सकता है अगर गवर्नमेंट का कुछ काम है, यहाँ पर रोटिंग वोटिंग हो सकती है। पानी आ रहा है यहाँ से, ये जा रहा है सिंचाई के लिए ठाकुर द्वारा जा रहा है सिंचाई के लिए। ये वाला यहाँ से है ना, यहाँ से आ रहा है इसके नीचे से। ओह भाई कितना कह रहा है, टूटेगा नहीं यार। हाँ आओ देखो हमारे फ्रेंड लोग वहां पर बैठे आने में। एरिया डैम ये मालदंग में पड़ता है रामनगर के ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। और देखिए कितना प्यारा है, मनोज भाई दिखाए यहाँ पर, और बहुत ही बड़ा है, नैनीताल से भी बड़ा है, नैनीताल की जो झील है ना उससे भी बड़ा है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, बहुत बड़ी झील है यहाँ पर, बहुत गहरा भी है। और यहाँ पर सिग्नल है मनोज भाई, सिग्नल किस चीज़ का होगा, पानी के लेवल के लिए होगा ना, चेक करने के लिए हो सकता है। तो भाई और हम आपको बता दें यहाँ पर पहाड़ों का पानी आता है ना, पहाड़ों का पानी आता है यहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ से भी सिंचाई के लिए पीने के लिए। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे काशीपुर हो गया, ठाकुर द्वारा हो गया और जसपुर हो गया, वहाँ के लिए यहाँ से डाइवर्ट होते रहता है। बिल्कुल नेचुरल पानी है, बिल्कुल मिनरल से भी अच्छा है। आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, कभी भी आइए, 12 महीने खुला रहता है यहाँ पर। ये रामनगर से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी झील है, पानी कितना गहरा है। और यहाँ पर एक सीढ़ियाँ दिख रही है बट वीडियो में नहीं दिख रही होंगी, वो पहले पानी कम रहता होगा ना यहाँ पर। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाला, और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ऐसी ब्लॉग देखने के लिए।
भाई लोग हैं। और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। वीडियो बनाओ मस्त। सब भाई लोग हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। सब लोकल के हैं ना भाई लोगों? दाढ़ी देख के लग रहा होगा ना, दाढ़ी बाल देख के। ये तो बोलता है बिना चार सेट के जाते नहीं बालू। वो तो फौज में नहीं जाता हूँ, पता कितने का सेट लेता हूँ पहले, तब गाड़ी में बैठता हूँ। कितने का सेट वो तो मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ तब भी दो का सेट लेता हूँ, गाड़ी में बैठा चार का सेट लेता हूँ। तब भी बोल रहा हूँ मैं, घर में जाके पता नहीं क्यों हो गया, क्यों नहीं फिरा। तो गाइस बहुत आवाज आ रही है यहाँ पे, बहुत तेज आ रहा है पानी। हाँ तो गाइस जो ये चीज़ देख रहे हैं आपको, यहाँ से ये सप्लाई होता है पानी खेतों के लिए, सिंचाई के लिए अलग अलग जगह। यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है सिंचाई के लिए। आपने नेट तो देखा होगा, ये वाला नेट देखना है, बाढ़ का बाढ़ देखो कितना बड़ा नट है यहाँ पर। ये घुमाया जाता है, इसके बाद ये पानी डिवाइड होता है। इतना प्यारा व्यू है, गहराई कोई और इसकी गहराई का कोई अनुमान नहीं है, बहुत गहरा है। ये सीढ़ियाँ देख रही है, सब नीचे जाती है सीढ़ियाँ, पता नहीं कहाँ जा रही है सीढ़ियाँ, तो उसका कोई अंत नहीं है, बहुत गहरा है। दूर दूर तक देखोगे यार नज़र पानी ही पानी आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं अब, और ये यहाँ पर सेफ्टी जाल लगी हुई है, यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है, कोई अनहोनी ना हो यहाँ पर, इसीलिए लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने। ये पानी जाता है ठाकुर द्वारा इस डैम से, और लोग भी आए हैं यहाँ पर, इंजॉय ले रहे हैं यहाँ प्राकृतिक नेचर का आनंद लीजिए। नेचर इज ए लाइफ, नेचर ही आपकी लाइफ है, इसको बनाए रखें, संजोए रखें और आनंद लीजिए। गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उत्तराखंड वाला चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, थैंक यू सो मच। गाइस हमें बीच रास्ते में देखे चिड़ियाँ मिली तैरते हुए, और देखिए क्या ड्रेसिंग है, क्या व्यूज बना रखा है उन्होंने, क्या कलाकारी है। गाइस जब हम लंच करने जाएंगे पिरू मदारा, और उसके बाद लंच करने के बाद हम जाएंगे सीधे रामनगर मार्केट में। सो गाइस हम कुंदन रेस्टोरेंट में हैं, अभी लंच करेंगे यहाँ पर, अभी मेन्यू है, अभी हम यहाँ पर लंच करने आए हैं ना, लंच करने के बाद रामनगर जाएंगे। छोले पीरे मैंने भाई, हमारा एक चीनी पटाटो फ्राइड आ गया कोल्ड ड्रिंक के साथ। सो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब चलेंगे हम रामनगर को और भरपूर खाना खा लिया।
फाइनली बिल आ चुका है। कितना है? 754 754 रुपये का बिल आया।